हेलो दोस्तों, एसेटिक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई हैं। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि पढ़ाई को जारी रखने के लिए और किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो बातें हैं आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई, ये अभी तत्काल में जो विपत्ति आई है दुनिया के ऊपर कोरोना वायरस के रूप में, COVID-19 के रूप में, उसके साथ साथ भविष्य के लिए भी हमको मजबूत रखेगी। अगर हम ये बातें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, अभी से ही डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। बीमारी का चांस 95% तक कम हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, क्योंकि ये जो बातें आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं। हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत रख सकते हैं, अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ये बातें जारी की गई हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो आज के माहौल में कोरोना से जब इलाज के लिए कोई दवा नहीं बनी है, तो इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि इससे बचाव। हमेशा से विद्वानों ने आदिकाल से यही कहा है कि किसी भी बीमारी की सबसे बड़ी इलाज यही होती है कि उससे बचाव रखा जाए, उससे सेफ्टी रखा जाए। तो सावधानी बरतें। सबसे बड़ी चीज़ तो सावधानी यही है कोरोना के खिलाफ कि हमको अपने घर में रहना है, घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। जो कोरोना फाइटर्स हैं उनकी पूरी तरीके से मदद करनी है हमको, बिना आवश्यक काम, यानी ऐसा नहीं कि प्रतिदिन आवश्यक काम पड़े। अगर हमको सब्जी लाना है, दूध लाना है, तो उसके लिए भी हमको रूटीन बनाना होगा कि 2 दिन या 3 दिन में एक ही बार घर से निकलने की कोशिश करें कम से कम। और सबसे बड़ी बात, हम इस वीडियो में ये सारी बातें तो आपको हर जगह से मिल जा रही हैं, घर पे रहना है। हमको आज जानना है हमको कौन से उपाय करने हैं घर पे आसानी से, जो आसानी से हम कर सकते हैं, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने आप को मजबूत बना सकें आने वाले दिनों के लिए भी, कोरोना के बाद भी। हमारी एकेडमी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने शुरू में ही जब कोविड-19 का इम्पैक्ट आना शुरू हुआ था जनवरी फरवरी में, तभी उसने ये नोटिफिकेशन गाइडलाइन जारी कर दी थी। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 14 अप्रैल को, तो आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोबारा से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है 3 मई तक के लिए, और उन्होंने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। उन्होंने 7 मंत्र दिए देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। उसमें एक बात उन्होंने कही कि जो भी आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है उसका हमको पालन करना है, अपने इम्यून सिस्टम को हमें मजबूत करना है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा तो कोविड-19 हमारा कुछ नहीं कर सकता। अध्ययन में पाया गया है कि 80% लोगों को कोविड-19 होता है और उनको पता भी नहीं चलता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है। केवल 10% लोगों को हॉस्पिटल जाने की नौबत आती है और उनमें से केवल 5% या 2% 1% सीरियस होते हैं, 3% 4%। तो जो 80% हैं उनको पता क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत है। आपको उसी 80% की कैटेगरी में आना है, और हो सकता है भारत के लोगों को 80 से ज़्यादा पहुंच जाना है, कि मतलब 90% या 95% ऐसे व्यक्ति हों जिनको पता ही नहीं चले। तो ये कब संभव है, जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत हो सकता है, छोटी छोटी बातों से ध्यान रख करके, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके इम्यून सिस्टम अपना मजबूत कर सकते हैं अपने घर बैठे, वो भी खा पी करके, ऐसा नहीं कि बिना खाए पिए। कैसे रखते हैं, आइए कुछ बातें देखते हैं। सबसे बड़ी बात कि दिन भर हमको गर्म पानी पीना है। गर्मी का दिन आना शुरू हुआ है, अब हम फ्रिज के पानी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ठंडा पानी ढूंढेंगे, ये चीज़ से हमको बचना है। कोशिश करनी है कि हमको गुनगुना पानी पीना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी पीने से हमारा काफ़ी मतलब पाचन शक्ति मजबूत रहती है। आप सबको पता है गुनगुने पानी के फायदे, गले में खराश नहीं होगी, गले का हमारा खांसी वगैरह ठीक हो जाएगा। और कई बार ऐसा पाया गया है कि कोरोना के अगर कुछ शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं वो गुनगुने पानी से, गर्म पानी से, गुनगुने पानी। तो सबसे बड़ी बात हो हम जब भी पिए गुनगुना पानी पिए। दूसरा, हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें कि 30 मिनट कम से कम, उससे ज़्यादा कर सकते हैं, 30 मिनट कम से कम योग अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान लगाएं। जो भी एक्सरसाइज हम घर बैठे कर सकते हैं
वो करना है। आज के समय में अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो आप इसमें सक्षम हैं कि आप YouTube के माध्यम से कई सारे योग, प्राणायाम या ध्यान कैसे लगाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, घर बैठे आप आराम से कर सकते हैं। ये कोई जात या मजहब की बात नहीं है। योग जो होता है वो किसी जात या धर्म विशेष का नहीं है, तो किसी भी जात के लोग इसको कर सकते हैं, किसी भी धर्म के लोग आराम से इसको कर सकते हैं। पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर चुकी है, आप भी एक्सेप्ट करिए। और अपने आप को फिट रखने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है। अगर आप 30 मिनट योग अभ्यास करते हैं और पानी पीते हैं तो आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने की तरफ बढ़ गए हैं। अगला काम हमें क्या करना है, खाना बनाते समय हल्दी, जीरा और धनिया जैसे मसालों का इस्तेमाल करना है। ऐसे मसालों का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है जो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। इसमें हल्दी जो होता है वो रामबाण काम करता है। सबसे बड़ी औषधि, इम्यून सिस्टम मजबूत करने का सबसे बड़ा औषधि हल्दी होता है। कच्ची हल्दी हम खा नहीं सकते, तो उसको खाने के माध्यम से खाना है, गर्म दूध के माध्यम से पीना है। तो जैसे भी तरीके से हम इन सब चीज़ों, इन सब मसालों को ले सकते हैं, वैसे ठीक इनको यूज करना है, इस्तेमाल करना है। आगे देखते हैं, एक और आयुष मंत्रालय ने एक और सबसे बड़ी बात बताई है कि सुबह सुबह हमको 1 चम्मच च्यवनप्राश खाएं, च्यवनप्राश खाएं। च्यवनप्राश आसानी से हर जगह उपलब्ध है अब, तो कोशिश करनी है कि सुबह 1 चम्मच हमको च्यवनप्राश खाना है, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच। उससे प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होता है। आपने देखा होगा हमेशा से ठंडी में लोग इसको खाते हैं, क्योंकि ठंडी में क्या होता है कि जल्दी से जुकाम बुखार होने का चांस, खांसी जुकाम ये सब होने का वो चांस ज़्यादा रहता है, तो इसलिए लोग च्यवनप्राश खाते हैं जिससे वो स्वस्थ रहें। जो डायबिटीज, शुगर के पेशेंट हैं वो बिना शुगर वाला च्यवनप्राश खाएं, आसानी से बाजार में उपलब्ध है, बिना शुगर वाला और शुगर वाला दोनों। आप कोशिश करें कि सुबह सुबह उठ करके आपको 1 चम्मच च्यवनप्राश खाना है। तो आपको क्या क्या करना है, सुबह उठ के च्यवनप्राश खाना है, दिन भर गर्म पानी यूज करना है, दिन में एक बार 30 मिनट कम से कम योगा करना है, इसके अलावा खाने में हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके बाद देखते हैं, हर्बल टी पीना है। हर्बल टी का मतलब होता है जैसे कि तुलसी की पत्ती का चाय, या आप बोल सकते हैं जिसमें काली मिर्च डाल के, अदरक डाल के, इन सब चीज़ों का, यानी हर्बल टी हमको पीना है। नॉर्मल टी का यूज हमको कम करना है, नींबू की चाय हो गई, तो इन सब चीज़ों को हमको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। हम ऐसा नहीं, देखिए हमारे आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि हमको खाने से रोक रहा है, ये मत खाइए, आप खाइए, खूब पीजिए, चाय पीजिए, हर्बल टी चाय, हर्बल चाय पीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा, ये नहीं नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा, ये हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत ही करेगा। इसके अलावा काढ़ा पीना है, काढ़ा पीना है, काढ़े में तुलसी, तुलसी बहुत बड़ा स्रोत होता है इम्यून सिस्टम मजबूत करने का। हम सादा तुलसी को भी, मतलब सीधे सीधे तुलसी के पत्ते को गर्म पानी, मतलब पानी के साथ गर्म करके उसको पी सकते हैं। अगर हम उसमें दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक और किशमिश भी डाल दें और काढ़ा पिएं, या 150 मिलीलीटर गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पिएं, तो भी ये फायदा करेगा। तो मतलब हमको दो चीज़ें पहले ध्यान रखनी है, हर्बल टी पीनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और काढ़ा कम से कम एक बार इस्तेमाल करें। इसके बाद सुबह शाम दो बार, एक सबसे बड़ी चीज़ जो हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर, ये सारी चीज़ें हर्बल टी, काढ़ा, ये सब तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि जब भी हमको जुकाम बुखार होता है, खांसी वगैरह, तो ये हमारे घर वाले देते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखना है कि सुबह शाम दो बार, यानी सुबह और शाम, अपने नाक के ऊपर तिल या नारियल का तेल या घी लगाएं। आयुष मंत्रालय ने इसको बोला है कि नाक के ऊपर तिल का तेल या नारियल का तेल लगाना है सुबह और शाम दो बार, या तो देसी घी लगा सकते हैं, ठीक। इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और कोरोना से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ेगी। एक चीज़ और, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमको सूखी खांसी आ रही है, तो आजकल तो खांसी आना भी गुनाह हो गया है, किसी को थोड़ी सी भी खांसी आ रही तो वो डर जा रहा है, या गले में दर्द हो रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मौसम बदल रहा है तो इसलिए भी हो सकता है। तो इसके लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सूजन हो या खांसी आए तो एक बार पुदीने की ताज़ा पत्ती या अजवाइन के साथ भाप ले सकते हैं। पानी गर्म करिए, उसमें पुदीना की ताज़ी पत्ती डाल दीजिए या अजवाइन डाल दीजिए, और उसका भाप, आपको उसका जो भाप निकलता है उसको आपको लेना है नाक के द्वारा, मुँह के द्वारा,
इससे आपके खांसी में गले जो खांसी आएगा या गले में खराश होगा या गले में जो दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। इसको आपको 2-3 बार करना है। उसके बाद 2-3 बार आप शहद के साथ लौंग का पाउडर ले लीजिए। शहद के साथ लौंग का पाउडर लेना है दिन में 2-3 बार। सुबह ले लीजिए, शाम को सोने से पहले ले लीजिए, दोपहर में एक बार ले लीजिए। इससे भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको सूखी खांसी या गले में सूजन इन सब उपायों से होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप तुरंत फिर डॉक्टर से सलाह लें। आप एक दो दो एक दिन 2 दिन देख सकते हैं। अगर वो आराम अगर देखिए अगर आपको नॉर्मल मौसम वाला खांसी या गले में खराश है तो जब आप दही और सॉरी शहद और काली मिर्च लेंगे या लौंग लेंगे पाउडर, और या आप धनिया या अजवाइन के साथ गर्म पानी का भाप लेंगे तो आराम मिलना शुरू हो जाएगा एक बार में ही। लेकिन अगर 1 दिन में 2 दिन में आराम नहीं मिलता तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए। देखिए कितना आसान बातें हैं, हम अपने आप को घर में रहते हुए खाते पीते स्वस्थ रख सकते हैं। तो आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है अगर आपको आने वाली ज़िंदगी देखनी है, अगर आपको आगे की ज़िंदगी स्वस्थ रखनी है, अपने परिजनों को सुरक्षित रखना है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको डेली रूटीन में शामिल करनी है। ये आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए बातें हैं, इसीलिए हमारी एकेडमी ने इस चीज़ को सोचा कि ये बातें आप सबको पता होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को पता भी होंगी, थोड़ा सा आलस में हम लोग ऐसा नहीं करते। अगर ये वीडियो देखने के बाद 1 या 2 लोग या 4 लोग 6 लोग भी अगर इन बातों को फॉलो करना शुरू करते हैं तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ रहेंगे और पढ़ाई पे अपने ध्यान रखिए। इस तरह का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इतना अच्छा मौका आपको घर बैठे पूरा दिन पढ़ने का मौका मिल रहा है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बाकी अपना खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर से परीक्षाएं शुरू होंगी कुछ दिन बाद, तो आपको ये चीज़ें जो खाली समय आपके लिए मिला है आप इसको अपने लिए सकारात्मक रूप से इसको बदलिए, इस मौके को भुनाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।